अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, मैं हूँ राही निसार। आज आपको यहाँ पे दिखाएंगे जो गुलमर्ग का यहाँ पे मशहूर इलाका है, इसके साथ एक इलाका यहाँ पे पड़ता है द्रंग, जो द्रंग नाम से यहाँ पे मशहूर है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, कोविड 19 की वजह से आज उतना रश यहाँ पे नहीं है, मगर फिर भी आज हमने देखा कि लोकल रश यहाँ पे ठीक तरीके से देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें कि SOPs या सोशल डिस्टेंस जो यहाँ पे मास्क वगैरह के बारे में कहा गया है, उसको यहाँ पे कई दफ़ा हमने देखा कि कोई यहाँ पे पहना हुआ है। बाकी अगर हम 100 में से 50% लोगों को देखें कि वो बिना मास्क के यहाँ पे घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंस को यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कि आपने मास्क क्यों नहीं पहने? वो मेरे गाड़ी में है। गाड़ी में है, यानी कि आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हो? अच्छा, मगर मास्क गाड़ी में रखी है? नहीं, गाड़ी इसे नहीं, मुझे भूली गई गाड़ी में। अच्छा अच्छा, क्या कि बहुत सारे इलाकों से अभी मुझे लगता है कि शायद श्रीनगर दूसरे इलाकों से भी यहाँ पे लोग आए, थोड़े बच्चे हैं यहाँ पे, कब आए यहाँ पे? हम अभी आए। आज लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में आप घर से निकलते हो? नहीं, आज हम निकले पहली बार। आपने अच्छे तरीके से तो मास्क पहनी है, मगर लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो घर में ही बैठना था, सब यहाँ पर आए तो। अच्छा, हालांकि इनका भी यही कहना है कि अगर सब यहाँ पे आए तो हम क्यों नहीं आए। अगर इस बच्चे ने तो अच्छे तरीके से मास्क पहनी है, मगर फिर भी वो बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे भी है जो बिना मास्क के यहाँ पे घूम रहे और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस जो है जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे नहीं मेंटेन करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट पे भी लोग घूम रहे हैं तो क्या ये लॉकडाउन की वायलेशन नहीं है। तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जल्द अज जल्द कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि यहाँ पे अगर अब लोगों को यहाँ पे छूट देने आने के भी, मगर फिर भी उनको कहना है कि गाइडलाइन उसको यहाँ पे फॉलो करें ताकि जो इस कोविड 19 की इस वक्त की बीमारी है इससे हमें निजात मिल सके। तो दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मिलेंगे और एक प्रोग्राम लेकर। खुदा हाफिज़।